तो यहाँ पर सीधा सबसे पहले आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पर आपको हेडर फाइल को ऐड करना होता है। तो यहाँ पर हम हेडर फाइल ऐड करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम सीधा मेन मेथड पे आते हैं। ये हम आ गए। इसके बाद अब हम यहाँ पे सिंपल सा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमें चार वेरिएबल की ज़रूरत होगी, एक नंबर वन के लिए मतलब सबसे पहला जो हम वैल्यू पुट करवाएंगे उसके लिए वेरिएबल, और उसके बाद दूसरा ऑपरेशन के लिए यानी प्लस माइनस जो भी डिवाइड है मल्टीप्लीकेशन उसके लिए हम दूसरा वेरिएबल लेंगे, और उसके बाद एक तीसरा वेरिएबल जिसमें हम दूसरा नंबर पुट करवाएंगे मतलब दो नंबर को ऐड करना है तो उसके लिए आपको सेकंड नंबर की भी ज़रूरत होगी, तो उसके लिए हम वेरिएबल यहाँ पर ऐड करवाएंगे, और उसके बाद चौथा जो कि हमारा होगा रिजल्ट। जी हाँ, रिजल्ट के लिए भी आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल हम वेरिएबल लेते हैं फ्लोट, और ये हमने ले लिया नम वन, मतलब जो हमारा पहला वैल्यू हो सकता है वो पॉइंट वैल्यू भी हो सकता है क्योंकि बहुत से लोगों को पॉइंट वैल्यू भी ऐड करवाना होता है, और दूसरा ले लेते हैं फ्लोट नम टू, ये दो नंबर हो गया ठीक है। उसके बाद हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है प्लस माइनस, तो उसके लिए भी हमें एक वेरिएबल लेना होगा। तो यहाँ पर प्लस एक सिंगल कैरेक्टर हो गया, तो उसके लिए हम सिंपल सा कैर जो भी वेरिएबल है वो लेंगे ठीक है, उसका जो भी डेटा टाइप है वो लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया सिंपल सा ऑपरेशन ठीक है, ओपी ये वेरिएबल का नाम लिख दिया। अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको रिजल्ट प्रिंट करवाना, तो रिजल्ट के लिए भी डेटा टाइप डिक्लेयर करना बहुत ही जरूरी है जो कि होगा फ्लोट का, ऑब्वियसली बात है, और यहाँ पर हमने लिख दिया रिजल्ट ठीक है, और यहाँ पर हमने ये सेमीकोलन लगा दिया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको वैल्यू एंटर करवाना है यूजर से। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं सी लैंग्वेज में वैल्यू एंटर करवाने के लिए यहाँ पर हमारे पास सिंपल सा एक कीवर्ड होता है प्रिंट एफ, और उसके बाद हम लिखते हैं एंटर द फर्स्ट नंबर ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमने सिंपल सा लिख दिया स्कैन एफ, जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी उसे हम यहाँ वैल्यू में पहुँचा देंगे। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू हम एंटर करवाएंगे वो फ्लोट में होगी, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लोट, तो यहाँ पर एफ लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर एंड लिख के हम यहाँ पर सिंपल सा इसमें वैल्यू पहुँचा देंगे ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नम वन है मतलब यहाँ पे आप जो भी वैल्यू एंटर करेंगे, जैसे आपने 10 एंटर करा तो ये नम वन में पहुँच जाएगी। सेम इसी तरह दोस्तों आपको दूसरा ऑपरेटर, अब इसके बाद क्या करना है, आपको ऑपरेटर प्रिंट करवाना है मतलब ऑपरेटर एंटर करवाना है कि प्लस करवाना है माइनस करवाना है तो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर आपको सेम वही स्टेप फॉलो करना होगा प्रिंट एफ, और उसके बाद यहाँ पर लिखना होगा एंटर द ऑपरेशन, मतलब आप क्या करवाना चाहते हैं प्लस माइनस जो भी वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू एंटर करवाना है उसे हमें पहुँचाना होगा ओपी वाले वेरिएबल नेम में, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं परसेंट सी, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं एक सिंगल कैरेक्टर के लिए हम परसेंट सी लगाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे एंड लगा के यहाँ पर ओपी लिख दिया, और ये हमने सेमी कॉलन लगा दिया। तो यहाँ पे आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो ओपी वाले वेरिएबल पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा किसी भी फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद अगर दूसरा स्टेटमेंट कैरेक्टर का हो तो आपको हमेशा परसेंट सी से पहले स्पेस लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि परसेंट सी वाइट स्पेस और न्यू लाइन को रिमूव कर देता है बफर मेमोरी में। अगर आपको स्पेस नहीं छोड़ोगे, अगर आप यहाँ पे स्पेस नहीं लगाओगे तो ऐसे में कैरेक्टर वैल्यू एंटर नहीं होगा, और जो भी स्टेटमेंट है आपका तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा पहले स्टेटमेंट के बाद जो दूसरा स्टेटमेंट होगा अगर वो कैरेक्टर है सिर्फ कैरेक्टर के लिए, तो आपको यहाँ पर परसेंट सी से पहले आपको एक स्पेस छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि आप इसे यहाँ पर कैंसिल करके रिमूव करके सिंपल से यही स्टेटमेंट अगर आप ऊपर भी लिख दोगे तो यहाँ पर आपको स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट के बाद हमेशा आपको यहाँ पर स्पेस लगाना होगा ठीक है, ताकि ये जो भी कैरेक्टर है न्यू लाइन है बैक वाइट स्पेस है उसे रिमूव कर सके। इसके बाद दोस्तों अब हमें दूसरा नंबर लेना है ठीक है, प्रिंट एफ एंटर द सेकेंड नंबर, उसके बाद यहाँ पर स्कैन एफ करके हमने यहाँ पर जो भी दूसरा नंबर है वो पहुँचा दिया ठीक है। देखिए ये सब चीज़ें बेसिक है ठीक है, ये सब आपको पता ही होगा पहले से ही। अब इसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, अब इसके बाद क्या होगा, आपको स्विच स्टेटमेंट लगाना होगा। तो स्विच स्टेटमेंट डिक्लेयर कैसे कहते हैं, सबसे पहले आपको लिखना होता है स्विच ठीक है, उसके बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और जो भी वेरिएबल है यानी जो भी की है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने एंटर करा ओपी ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो भी मतलब प्लस एंटर करा या फिर माइनस एंटर करा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, दो कर्ली ब्रेसेस लगाने हैं और उसके अंदर केसेस लिखने हैं ठीक है। तो सबसे पहला है केस ठीक है, ये आपको केस कीवर्ड लिखना होगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको सिंगल कोट में सबसे पहले अगर आपको माइनस करवाना है तो यहाँ पर माइनस लिखना होगा, ये कोट लिख के आपको यहाँ पर ये ऐसे कॉलन लगाना है, ध्यान है सेमी कॉलन नहीं, यहाँ पर आपको कॉलन लगाना है ठीक है। और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है आप माइनस करवाओगे ना, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, रिजल्ट लिखना होगा और दो नंबर को आपको क्या करवाना माइनस, तो नम वन माइनस नम
टू, मतलब अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हो गया। देखिए जैसे कि आपने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख रखा है, यहाँ पर प्रिंट है फर्स्ट नंबर, तो सबसे पहले आप फर्स्ट नंबर एंटर करोगे, मान लो यहाँ पे 10 एंटर करा, और उसके बाद यहाँ पर आप माइनस ऑपरेटर स्टार्ट करते हो, ठीक है, माइनस यहाँ पर एंटर करते हो, तो ये वाला स्टेटमेंट यानी केस में यहाँ पर आके मैच करेगा माइनस, और ये वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट में क्या होगा, नम वन माइनस नम टू, और उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी स्टेटमेंट चलाना है प्रिंट एफ, और उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा वो आपको यहाँ पर शो करवा देना है। तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमारा होगा फ्लोट में, तो यहाँ पर हमने परसेंट लिख के यहाँ पर हमने सिंपल सा लिख दिया रिजल्ट, ठीक है, ये हमने कॉमा लगा के यहाँ पर हमने लिख दिया रिजल्ट, ठीक है, ये हमारा हो गया स्टेटमेंट। और उसके बाद मैंने कहा था यहाँ पर हमेशा ब्रेक लगाना बहुत ही ज़रूरी है, तो ये हमने ब्रेक लगा दिया ताकि ये स्टेटमेंट रन होने के बाद आगे वाला स्टेटमेंट स्टार्ट ना हो। सेम दोस्तों इसी तरह आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या फिर कह लो डिवाइड के लिए भी बनाना होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं ये स्टेटमेंट कॉपी कर देता हूँ ताकि टाइम बच जाए, तो ये मैंने दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कॉपी कर दिया, और उसके जगह पे यहाँ पे सिंपल सा मैंने प्लस लिख दिया, और यहाँ पर ये मैंने डाल दिया प्लस, ठीक है, तो ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट बन गया प्लस के लिए। अब इसके बाद हमें बनाना है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो यहाँ पर मैं दोबारा से ये स्टेटमेंट कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए आप क्या लगाओगे, स्टार लगाओगे, ये बात आपको ध्यान में रखना ऑपरेटर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर नम वन और नम टू के बीच में यहाँ पर स्टार लगा दोगे, ये बन गया। अब इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट मतलब चौथा स्टेटमेंट जो कि होगा डिवाइड के लिए, तो सेम यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड के लिए मैंने ये वाला सिंबल लगा दिया, ठीक है, ये डिवाइड के लिए लगा दिया, और उसके बाद यहाँ पर भी आपको ये डिवाइड के लिए लगा देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस के लिए भी हो गया, माइनस के लिए भी हो गया, डिवाइड के लिए भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर इन सभी चीज़ों में से कोई भी मैच नहीं करा तो यहाँ पर एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा डिफॉल्ट, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट है प्रिंट करवाना चाहते हो, प्रिंट एफ द ऑपरेटर इज नॉट वैलिड, मतलब आपने जो भी ऑपरेटर प्लस माइनस एंटर करा वो वैलिड है या नहीं ये यहाँ पर एंटर करवा देगा या फिर प्रिंट करवा देगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमने सिंपली ये वाला कर्ली ब्रेसेस लगा दिया इस वाले स्टेटमेंट को बंद करने के लिए, ये वाले स्टेटमेंट को बंद करने के लिए, ठीक है, और हमारे जो पहले वाले यानी मेन मेथड का जो भी कर्ली ब्रेसेस है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो ऑलमोस्ट बन चुका है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हमें पे लगाना होगा गेट सी एच, तो यहाँ पर ये स्क्रीन होल्ड होगा, और हमेशा जो भी पुराना रिजल्ट है उसे क्लियर करने के लिए यहाँ पर हमें ऊपर की साइड यहाँ पर हमेशा क्लियर एस सी आर, मतलब जो भी रिजल्ट हमारा पुराना होता है उन्हें हमें डिलीट करने के लिए, ताकि तो उन सभी चीज़ों को डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे क्लियर एस सी आर लगाते हैं, मतलब एक नया स्क्रीन आ जाए, जो भी पुराने रिजल्ट है उसे डिलीट करके एक नया स्क्रीन आ जाए, उन सभी चीज़ के लिए हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगाते हैं। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर रन करते हैं, देखते हैं कि इसमें कोई एरर है या नहीं। तो यहाँ पर हमने सिंपली प्रेस करा कंट्रोल F9, तो देखिए जैसे मैंने कंट्रोल F9 एंटर करा तो ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है, एंटर हो रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला वैल्यू एंटर करते हैं 10 एंटर करा, ठीक है, उसके बाद बोला है एंटर द ऑपरेशन, मतलब आपको क्या करवाना है, प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना, तो यहाँ पर हम सिंपली प्लस करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लस ऑपरेटर को एंटर करवा दिया। उसके बाद दोबारा से एंटर प्रेस करते हैं, उसके बाद बोला है सेकंड नंबर एंटर करो, तो सेकंड नंबर हम यहाँ पे मान लो 20 एंटर करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है वो प्रिंट होना चाहिए 30, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 30 प्रिंट हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं, देखिए हम प्रोग्राम को रन करते हैं और यहाँ पर हम एंटर करते हैं, मान लो हमने यहाँ पे 12 एंटर कर लिया, उसके बाद हम माइनस ऐड करते हैं, ठीक है, माइनस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, और उसके बाद दूसरा नंबर एंटर करते हैं 10, तो रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए 2, तो देखिए जैसा कि आपको 2 प्रिंट हो रहा है, 2 पॉइंट यानी फ्लोट वैल्यू हो तो यहाँ पर पॉइंट वैल्यू आपको दिखाएगा, तो यहाँ पर सिंपल सा 2 पॉइंट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद तीसरा भी स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन का, चलिए तो यहाँ पर हमने एंटर करा मान लो 2, ठीक है, और दूसरा मल्टीप्लीकेशन के लिए स्टार लगाते हैं, देखिए, और उसके बाद यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया 3, तो 2 + 3 कितना होते हैं 6 होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 प्रिंट करा, तो देखिए 2 + 3 आ रहा है। अब इसके बाद डिवाइड वाला भी ट्राई कर लेते हैं, चलो, तो यहाँ पर हमने प्रिंट करा 10, ठीक है, दूसरा है डिवाइड का, तो हमने डिवाइड का सिंबल लगाया, और यहाँ पर हम प्रिंट करवा इसे डिवाइड करते हैं 5 से, ठीक है, तो देखिए 5 से डिवाइड करने पे 2 आ रहा है, तो देखिए। अब इसके बाद दोस्तों देखिए डिफॉल्ट स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 10 एंटर करा, ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऑपरेटर एंटर करना, मतलब प्लस माइनस नेगेटिव या फिर कह लो मल्टीप्लिकेशन स्टार, वो एंटर करना है। अगर यहाँ पर मैं कोई अल्फाबेट जैसे ए एंटर कर देता हूँ, ठीक है, या फिर 10 एंटर कर देता हूँ, 12 एंटर कर, कोई नंबर एंटर कर, तो ऐसे में जो हमारा ऑपरेटर है वो डिफॉल्ट वाला जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, तो ये ऑपरेटर जो हमारा वैलिड नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ पर ए एंटर कर देता हूँ, तो एंटर प्रेस करता हूँ, उसका सेकंड नंबर पूछेगा 10, ठीक है, तो ये क्या करेगा, दूसरा जो लास्ट वाला डिफॉल्ट स्टेटमेंट है, देखिए
द ऑपरेटर इज नॉट वैलिड। तो जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है यानी ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर हमने पहला नंबर एंटर करा, उसके बाद ऑपरेटर यहां पर हमें या तो हमें प्लस डालना है, माइनस डालना है, डिवाइड डालना या फिर स्टार डालना, वो हमें यहाँ पे एंटर करना होगा। अगर यहाँ पे हम 1 2 3 डालेंगे तो ये सारा, फिर उसके बाद ये सेकंड नंबर पूछेगा, ठीक है। सेकंड नंबर हमने एंटर करा तो उसके बाद ये यहाँ पर चेक करेगा कि मतलब आपने ऑपरेटर में कौन सा, अगर आपने यहाँ पे प्लस चेक प्लस डाला तो यहाँ पर चेक करेगा, सबसे पहले प्लस ओपी में आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ये केस वन में चेक करेगा, यहाँ पे प्लस है तो नहीं, इस स्टेटमेंट को छोड़ देगा। उसके बाद वो नीचे वाला स्टेटमेंट आएगा ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करेगा ये प्लस मिल गया, अरे भाई वहाँ मिल गया, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, नम वन और नम टू को ऐड कर देगा यानी जोड़ देगा। उसके बाद जो भी रिजल्ट है प्रिंट एफ करवा देगा, परसेंट एफ, और जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे शो करवा देगा, और नीचे लिखा हुआ ब्रेक, जिसका मतलब है कि इस वाले स्टेटमेंट से आप सीधा बाहर एग्जीक्यूट बाहर निकल जाएगा, ये बाकी जो स्टेटमेंट है वो रन नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप जो भी ऑपरेटर है वो मैच नहीं करता यहाँ पे प्लस माइनस नेगेटिव, तो सीधा ये वाला डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा।